और अब ये पेट्रोमैन इवेंट्स की ओर से कैश अवार्ड. थैंक यू सो मच मिस्टर मंजूर. विश्वनाथ आइए. विश्वनाथ आपके लिए भी ये पहला मौका है जब आप शारजा में आए. कई आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता पहली बार में, आपने भी जीता. तो जब आप बॉलिंग के लिए गए, कल आपकी टीम हार गई थी, तो कुछ अपने आप से बात कर रहे थे कि आज मुझे जीतना है, आज मुझे कुछ कर दिखाना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल क्यों आ रही थी कि लास्ट का बॉल मेरा बहुत गंदा गिरा था, उस पर छः खाया था, उसमें मैच स्टार्ट हो गया था. तो आज जब आपने बॉलिंग की शुरुआत की और उसके बाद जब दो विकेट मिल गए, तो आपको लगा कि आज शायद मेरा दिन है? हाँ, मैं देखा कि मेरा अभी वो विकेट दो मिल गया है, मेरे को अभी छः नहीं खाना है मेरे को, और मैच को अच्छा रन रेट से जिताने गए. और इस वक्त जो 11 वॉरियर्स टीम का परफॉर्मेंस आज इस मैच में रहा, फील्डिंग में, बॉलिंग में, आपके अन्य बॉलर ने भी आपको अच्छा साथ दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डागावट से सुमित भाई ने बोल दिया था कि इस बार कोई गलती नहीं होनी मांगती है, सब प्लेयर लोग ने सब अलर्ट होना मांगता है. और सुमित जिस तरह से टीम को लीड कर रहा है, किस तरह से वो सबको बांध के रखता है, मतलब कुछ सुमित के बारे में बताना चाहेंगे एज अ कैप्टन? जी, वो कैप्टन के सही अच्छे हैं, क्योंकि वो सब प्लेयर को अपन दोस्त की तरह मानता है और सबको बात करने में ये करते. तो दोस्तों ये है विश्वनाथ, जिन्होंने बता दिया कि कल मैंने सिक्सर खर्च किया और मेरी वजह से मैच हारे, लेकिन पूरी रात ये खिलाड़ी सोचता रहा कि कल भरे मेरा ना हो, आने वाला कल मेरा है. और आज जो कल उसने खोया था उसको हासिल कर लिया. और आशा करते हैं कि 11 वॉरियर्स जब आगे बढ़ेगी उसमें आपका जो योगदान है ये हमेशा शिखर पर होगा. बहुत बहुत अभिनंदन विश्वनाथ जाधव ये अवार्ड जीतने के लिए. इंडिया में जो जनता आपको देख रही है उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूँगा कि विश्वनाथ दादा तुझा अभिनंदन, चांगला क्रिकेट खेलत रहा आणि यशाचं उत्तुंग शिखर गाठत रहा. थँक्यू. तो आइए वापस लौट चलते हैं अगले मुकाबले की.